नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आईटी में। मैं आपके सबसे आप लोगों के साथ आई नजर डालते हैं 12 जिले की ओर। जी हां, आपको बता दें कि सरकार के द्वारा लॉकडाउन में छूट देने पर 12 जिले में दिन प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 12 में जिला प्रशासन की लापरवाही से और 12 चिकित्सा विभाग की हठधर्मिता पूर्व रवैये के कारण 12 जिला ग्रीन जोन से रेड जोन की ओर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लॉकडाउन 1 के बाद से लॉकडाउन 2, 3, 4 में सरकार द्वारा ढील दी गई और लॉकडाउन 5 में ढील दी जा रही है, वैसे वैसे 12 जिले में बाहर से आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। 12 शहर में लॉकडाउन 1 के बाद से यह देखने में आ रहा है कि जिला प्रशासन और 12 चिकित्सा प्रशासन के डुलमुए रवैये के कारण अब 12 जिले में मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। सर्वे के नाम पर लीपापोती और कागजों में फर्जी आंकड़े दिखा करके संबंधित दोनों ही महत्वपूर्ण विभागों ने अपनी अपनी इतिश्री कर ली। अगर अब भी 12 जिला प्रशासन और चिकित्सा प्रशासन ने घर घर जाकर के दोबारा से गंभीरता से घर पर रहने वाले सभी लोगों का ठीक से सर्वे कर जांच नहीं की तो आने वाले दिनों में शहर से लेके हर गांव, कस्बों, गली मोहल्लों में एक भयंकर कोरोना पॉजिटिव विस्फोट होगा जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन होगा। दिलीप शर्मा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने बताया कि संबंधित एरिया में स्क्रीनिंग की जा रही है। जो 27 केस आए हैं उसमें जो हाई रिस्क और जिनकी उम्र ज्यादा होगी ऐसे मरीजों को कोटा रेफर किया जाएगा। सर, आज 27 केस आए, इनका क्या सिस्टम है, कहाँ पर रखा इनको? अभी सभी को यहाँ से घर से हमने जिनको आइसोलेट किया हुआ था इन सभी को अपना कोविड केयर सेंटर है हमारा में वहाँ रखा गया है और वहाँ पर हम ये स्क्रीनिंग दोबारा से करके जो सिम्टोमेटिक केस होंगे या जो हाई रिस्क वाले जिनकी एज ज़्यादा होगी या अन्य कोई बीमारी होगी साथ में तो फिर उनको कोटा रेफर करेंगे। सर, क्या जो ये इसी मोहल्ले में आए मीट मार्केट में तो इसका अभी आपने क्या निवारण करा और क्या जीरो मोबिलिटी तैयारी है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर अभी जीरो मोबिलिटी है वहाँ पर और करीब 50 के करीब और लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनके कि हम सैंपल लेने की कोशिश में चल रहा है। सर, आपका परिचय? मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर दिलीप शर्मा, नेशनल हेल्थ मिशन। वही आपको बता दें कि दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ मछुआरा में कोरोना पॉजिटिव मामला आने से चिकित्सा विभाग दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा में युवक के कोरोना पॉजिटिव आ जाने से चिकित्सा विभाग दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, प्रवासी प्रभुलाल मीणा 29 तारीख को नागपुर से आने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवारा पर कोरोना की सैंपलिंग की गई थी। सैंपलिंग करने के बाद बालाजी क्वारंटाइन सेंटर में युवकों को आइसोलेट किया गया था जिसकी आज मंगलवार को रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद ग्राम पंचायत प्रशासन, तहसीलदार, चिकित्सा विभाग व थाना अधिकारी सेंटर पहुंचे। कोरोना पॉजिटिव युवक को जिला अस्पताल दौसा के लिए रवाना किया गया। वहीं दूसरी ओर थाना अधिकारी अशोक झांझड़िया चिकित्सा विभाग की टीम पॉजिटिव की ढानी गुलर वाली कोठी पर पहुंचकर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने वाली लोगों की जाँच पड़ताल करने में जुटी हुई है। प्रभुलाल मीना स्वरूप छोटेलाल मीना, उम्र 45 साल, गोलर वाली ढाणी, रामगढ़ पचवारा। दिनांक 29 तारीख को सीएससी रामगढ़ पचवारा में नागपुर छापरू से आया था जिसकी हमने स्क्रीनिंग करके और सैंपल के लिए आनंद हॉस्पिटल भिजवा दिया था। वहां सैंपल में इनको कोरोना पॉजिटिव मिला है, अतः कोरोना पॉजिटिव के तहत जो कार्रवाई होती है पूरी कार्रवाई करके और इनको आज जिला अस्पताल दौसा भेजा जा रहा है। कितने लोग आए थे नागपुर से? नागपुर से 2 लोग आए थे, दोनों डायरेक्ट हॉस्पिटल ही आए थे। हॉस्पिटल से डायरेक्ट इनको फिर क्वारंटाइन सेंटर बालाजी गार्डन में रख दिया था। सैंपल के दौरान, सैंपल के बाद में क्वारंटाइन सेंटर ही है, घर पर नहीं गए ये लोग। इनके दोनों की जो जाँच करवाई थी आपने, एक की पॉजिटिव आई, एक की नेगेटिव आई? नहीं, एक हमारे सीएससी रामगढ़ पचवारा एरिया का था और एक था श्यामपुरा पीएससी एरिया का था। अच्छा, तो उसकी स्क्रीनिंग श्यामपुरा पीएससी पे हुई है, लेकिन सुनने में आया कि वो नेगेटिव आया, वो पॉजिटिव नहीं आया। अच्छा, तो उसको भिजवा दिया आपने? हाँ, इसको हमने जिला अस्पताल दौसा भिजवा दिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ आईटी। नमस्कार।